मनीष ने मगरमच्छ देख लिया। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आज पता है मैं आपके लिए जो चीज़ लेके आया हूँ ना ब्लॉग के अंदर, वो बहुत ही मज़ेदार लेके आया हूँ। आज एक थ्योरी आपको मैं दूंगा, थ्योरी नहीं एक्चुअली, वो जब तक मैं नहीं उसको प्रैक्टिकल करके देखा मेरे लिए वो थ्योरी थी, लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिकल किया तब वो मेरे लिए थ्योरी नहीं रही, वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल चीज़ हुई और मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहले मैं खुद चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, प्रैक्टिकली उसको करके देखता हूँ, और जब मुझे विश्वास हो जाता है तब मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो ऐसा ही कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और आज ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। आज वाली जो बात है वो आपने, जब आप सुनोगे ना इस बात को, तो मेरे भाई और उनकी बहनों तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, सीरियसली तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और वो बात पता है क्या है? वो बात ये है, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारे घर पे एक ऐसी चीज़ है, सुनना, तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे हमेशा 24 घंटे एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ से तुम बर्बाद हो सकते हो और जिस चीज़ से तुम आबाद हो सकते हो, वो चीज़ तुम्हें बहुत बीमार कर सकती है और वो चीज़ तुम्हें बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक कर सकती है। क्या है वो चीज़? और वो सबके घर पे है, यस, आपके घर पे भी है, हाँ सबके घर पे है वो चीज़। पता है वो चीज़ क्या है? वो जादुई चीज़ है वाटर, पानी। जी हाँ, पानी, यस। आपको पता है पानी के अंदर ताकत है कि पानी सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है सारी चीज़ें, अब वो कुछ भी हो, राइट। और आप ये भी जानते हो कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब एनर्जी से बनी हुई है, सब के अंदर एक एनर्जी है, आपके अंदर एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक एनर्जी है, पानी के अंदर एक एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, राइट, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अगर आपने कुछ पढ़ा है, क्लास में ध्यान दिया होगा कभी स्कूल में, तो ये कुछ होते हैं जो हर एक मॉलिक्यूल में होते हैं, हर एक बॉडी में होते हैं, हर एक चीज़ में होते हैं, राइट, इस फ़ोन के अंदर भी है एटम्स, राइट, ये फ़ोन भी एटम से बना हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर एक चीज़ पे, राइट। तो हर एक फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग वाइब्रेट कर रहे होते हैं हर किसी के ये मॉलिक्यूलर एनर्जी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, साइंस की क्लास लगेगी, वो चीज़ नहीं करनी मुझे। तो ये जो पानी है ना, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एनर्जीज भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको पता होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और ये थ्योरी किसकी थी, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था। जापान के साइंटिस्ट हैं, मैं उनका नाम और फोटो साइड में लगा दूंगा, राइट, और आप देखना, उनको सर्च करना गूगल पे, यू विल नो उन्होंने क्या बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने भी वो एक्सपेरिमेंट किया कि आप जब पानी पीते हो ना, तो जिस एनर्जी से, जिस थॉट से, जिस एटीट्यूड से आप उसको पानी को पी रहे हो, उस टाइम पे जो आप सोच रहे हो, उस टाइम पे जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो पानी उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखाता है आपकी लाइफ में। कैसे, क्या करता है वो? मतलब अगर आप उसको जानबूझ के करना चाहते हो, अभी तो आप बिना अनजाने में कर रहे हो, तो वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि एक ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आप उसमें विश्वास करें ना करें वो अपना काम करेगी, राइट। मैं विश्वास नहीं करता ग्रेविटी होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे पेन गिराऊँ तो पेन वो नीचे ही गिरेगा, अब मैं विश्वास करूँ या ना करूँ, ग्रेविटी होता है या नहीं, लेकिन वो पेन नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा काम करती है, आप विश्वास करो या मत करो, राइट। ऐसे ही ये जो पानी वाली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमेशा काम करती थी, करती है और करती रहेगी, आप चाहे विश्वास करो या मत करो। आपको नहीं पता था ये तब भी काम कर रही थी, अब आपके अगेंस्ट में कर रही थी, आपके फेवर में कर रही थी, आपको पता लगेगा। अब जब आपको पता होगा इस वीडियो के बाद, तब आप इस
चीज़ को अपने फेवर में इस्तेमाल करना शुरू करो, और ये एक मैजिक से कम नहीं है। सही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैजिक से कम नहीं है। आपने करना क्या है, आपने जब जब पानी पीना है, इस पानी को जब आप पी रहे हो, पानी हम बहुत बार पीते हैं, ठीक है, जब आप पानी पी रहे हो उस पानी को आपने 2 मिनट ग्लास को अपने हाथों में लेना है, दोनों हाथों में, और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप पाना चाह रहे हो ज़िंदगी में, या आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो और उस बीमारी का इलाज आप चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप दूर जाना चाहते हो, प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसी चाहत है जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी, सब मुमकिन है इस एक्सपेरिमेंट से। वो क्या, जब आप उस पानी को पिएं, पीने से पहले 2 मिनट दोनों हाथों के बीच उस ग्लास को रखें, उस पानी की ग्लास को रखें, और अपने अंदर वो वाइब्रेशंस लाएं, अपने अंदर वो फीलिंग लाएं, उस ड्रीम को जिएं। अगर आप इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस ड्रीम को जिएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जो पानी मैं पी रहा हूँ या पी रही हूँ, ये वो पानी है जिससे मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक होने वाली है। ये पानी मेरी बॉडी के अंदर जाएगा और ये बीमारी, जैसे जैसे ये पानी मेरी बॉडी में अंदर जाएगा, मेरे गले से नीचे उतरेगा, ये सारी बीमारियों को ख़त्म करता हुआ जाएगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फॉर द डिजीज़ पर्पज़, फॉर द हेल्थ पर्पज़, राइट। और जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, सब पैसा कमाने के लिए, गाड़ियाँ लेने के लिए, तो उस टाइम पे आप उसको वो ड्रीम आप विजुलाइज कीजिए, वो पानी का गिलास हाथ में रखते हुए 2 मिनट, और फील कीजिए कि ये जो पानी है, ये वो पानी है, जब मैं इसको पीऊँगा तो मेरे अंदर वो सारी खुशियाँ, वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी और वो सारी स्किल्स, एबिलिटीज़ आ जाएंगी, जिससे मैं वो इंसान बनूँगा जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ तो मैं 10 लाख कमाने वाला इंसान बनूँगा। कैसे बनूँगा, उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सब ये पानी मुझे देगा, राइट। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, और पहली बार में ही नहीं आ जाएगा आपने गिलास पानी पिया और आप शक्तिमान बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। आप सुपरमैन नहीं बन जाओगे, उड़ने नहीं लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और अच्छी चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं, राइट, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें हैं, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट लगातार करना है, और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, जब आप इसको लगातार कर रहे हैं ना, तो एक साइकिल होती है 21 डेज़ की क्यों साइकिल है ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन 21 डेज़ की एक साइकिल होती है जो आपने फॉलो करनी है। 21 दिन तक जब जब आप पानी पिए, सुबह पी रहे, एक तो एक आदत डाल लो कि जब भी आप सुबह उठते हो तो पानी ज़रूर पीना है, और वार्म, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, वो आपने पीना है ब्रदर या ब्रदर की सिस्टर्स, वो आपने पीना है। वो जब आप पीते हैं तो आपका बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी में क्लीनिंग भी अच्छी होती है इंटेस्टाइंस की, और दूसरा आपका जो पानी की कमी, क्योंकि पूरी रात आपने पानी नहीं पिया और आपकी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, जानते होगे आप, ये 70% पानी से बनी है, और आपने 7-8 घंटे से पानी नहीं पिया है, तो योर बॉडी नीड्स वाटर, आप उठो और पानी पियो, राइट। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो सुबह सुबह जब आप पानी पी रहे हो तो सबसे अच्छी बात ये होगी, उस पानी को जब आप पिए तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ पिए, राइट। अब ये होगा कैसे, क्या होता है, क्या प्रूफ है इन सब बातों का? प्रूफ ये है कि मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 2 ग्लासेस लिए, शीशे के 2 ग्लासेस लिए, सेम क्वालिटी के, अलग अलग क्वालिटी के नहीं लिए, सेम क्वालिटी के ग्लासेस लिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर भरा दोनों में, इतना पानी इसमें, इतना पानी इसमें, मैं यहाँ फ़ोटो भी लगाऊंगा, आप देखना दोनों फ़ोटोज़ को, देखना आप कितना फ़र्क है दोनों पानी, दोनों गिलास के पानियों में, दोनों के आइज़ में जो जमी है, राइट। क्या किया है कि मैंने इसके ऊपर चिट्स चिपकाई हैं, एक गिलास लिया, दोनों में सेम क्वालिटी का पानी, सेम एक जगह से पानी भरा गया, उतना ही पानी भरा गया, सेम गिलास लिया गया, सेम टाइम पे सारी चीज़ें हुई, बस फ़र्क क्या किया कि मैंने एक पे नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे बीमारी, गंदगी, गरीबी, दुख, इन सब का मैंने इस्तेमाल किया, और वो वर्ड्स जब मैं लिख रहा था तो मैंने वो फील करते हुए लिखा कि बीमारी कैसी फीलिंग है, गरीबी कैसी फीलिंग है, दुख कैसी फीलिंग है, उस फील को जब मैंने किया और वो मैंने लिखा तो वो शब्दों में मेरी फीलिंग्स गई,
वो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और वो एनर्जी मैंने उस गिलास पे चिपकाई। ऐसे ही मैंने पॉजिटिव के साथ किया, वहाँ पे मैंने अमीरी, खुशी और अच्छाई, ईमानदारी, थैंक यू, ये सारी चीज़ें लिखी, ग्रैटिट्यूड वहाँ पे शो किया। और जब मैंने उन दोनों ग्लासेस को फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में जहाँ पे आइज हम जमाते हैं, मैंने दोनों ग्लासेस को जब फ्रिज में रखा तो बारी बारी से जब मैंने रखा तो पहले वाले ग्लास को जो नेगेटिव वर्ड्स जिस पे लिखे हुए थे, उस ग्लास को हाथ में लिया और उन सारे जो नेगेटिव वर्ड्स थे उन नेगेटिव वर्ड्स को फील करते हुए, वो जो नेगेटिव शक्तियाँ थी उसको फील करते हुए मैंने उस ग्लास को वहाँ रखा और उस पानी को आप कह सकते हो कि वो होता ना कि भाई मतलब ऐसे देखना कि मतलब ये हीन भावना से देखना उस पानी को कि ये पानी तो बड़ा गंदा है, ये पानी तो बड़ा बेकार है, इस पानी से तो बीमारियां होती हैं, इस पानी से तो गरीबी आती है। इस तरीके से उस पानी को मैंने देखा और वो पानी मैंने फ्रिज में रख दिया। ऐसे ही मैंने दूसरा गिलास लिया, उस पानी को मैंने सेम पॉजिटिव वर्ड्स के साथ लिखा, पॉजिटिव वर्ड्स की फीलिंग के साथ, ठीक है, उस गिलास को मैंने हाथ में पकड़ा, उस पानी को देखा और उस पानी को ग्रैटिट्यूड शो किया कि ये वो पानी है जो ज़िंदगी बदलता है, ये वो पानी है जो लाइफ देता है, ये वो पानी है जो सारे दुखों को दूर करता है, ये वो पानी है जो सारे सुखों की जड़ है, ये वो पानी है जो मुझे शक्ति देगा ज़िंदगी में कुछ भी करने का, ये वो पानी है जो सारी बीमारियाँ दूर करेगा। तो ये थॉट मैंने उसको दिया, ग्रैटिट्यूड दिया और मैंने ये भी ग्लास उसके ग्लास के बराबर में रख दिया। यू वोंट बिलीव जब मैंने 12 से 14 घंटे बाद इस फ्रीज़र में से उन दोनों ग्लासेस को निकाला, यू वोंट बिलीव, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था दोस्त, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कुछ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि नेगेटिव वाले ग्लास टूट गया है, सेम क्वालिटी के ग्लास थे, सेम टेम्परेचर पे रखे गए थे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर था लेकिन एनर्जीज अलग थी, वो ग्लास ब्रेक हो गया था नेगेटिव वाला। और मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आपको उसके अंदर आप देखेंगे जो पॉजिटिव वाला जो है उसके अंदर आइस की क्वालिटी आप देखिए, पानी की आप उसके अंदर देखिए कैसे जमा हुआ है, उस आइस की क्वालिटी देख सकते हैं, वो ज़्यादा क्लियर आइस है, ज़्यादा वाइटिश आइस है। और जो दूसरे वाला नेगेटिव वाला है उसमें ढंग से बर्फ़ जमी भी नहीं है और उसकी जो आप देख रहे हो क्वालिटी क्या है उसकी बर्फ़ की, राइट। ये जब मैंने देखा मैं खुद चौंक गया था एंड आई एम श्योर आप खुद चौंक रहे होंगे इस बात को सुन के, लेकिन ये सब जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार बेकार की बातें होती हैं, ठीक है 100 में से एक बार किसी का हुआ होगा कभी कुछ केसेस, लेकिन जब मैंने खुद किया तो मैंने बिलीव करना शुरू किया और अब मेरी पानी पीने की आदत बदल चुकी है, राइट। अब जब मैं पानी पीता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो सब मैं फील करता हूँ उस पानी को ग्लास में हाथ रख के, और उस पानी को देखता हूँ और वो ये ऑब्जर्व करता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि ये वो पानी है जो मेरे सारे सपने पूरे करने वाला है, ये वो पानी है जो मैंने अभी सोचा है ये सब वो मुझे देने वाला है, और मैं उस पानी को पीता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि जब ये पानी मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरे गले से नीचे उतर रहा है, तो वो ये सब शक्तियाँ मुझे दे रहा है जो मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो सारे सपने पूरे करने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट, ये आपने ज़रूर करना है, आपने आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, राइट, मेरे साथ शेयर कीजिए अपने एक्सपेरिमेंट, अपने अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपेरिमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा रहा, राइट। और इसको यूज़ करना शुरू कीजिए, पता नहीं आप किन किन व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं जो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, पता नहीं आप अपनी ही कितनी मदद कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स हो या किसी टेंशन से जा रहे हैं या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ ठीक हो सकता है मेरे दोस्त। नेचर के अंदर बहुत ताकत है, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, और सोचो जब वो पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारी बॉडी का 70% बन जाता है। तो अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ पी रहे हो जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपकी बॉडी में नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि 70% है, अंडरस्टैंड। और जब आप उस पॉजिटिव फीलिंग के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस चीज़ को पीते हो पानी को, तो वो पॉजिटिव चीज़ जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो 70% आपकी बॉडी में बन जाती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू बी, चाहे वो स्वस्थ रहना हो, हेल्दी रहना हो, चाहे वो फिट रहना हो, चाहे वो
पैसे कमाने हो, चाहे वो एक अच्छी लाइफ हो, कुछ भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पानी की प्रॉपर्टी है, ये पानी का जादू है। और आप जब, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, आप ये ऑब्ज़र्व भी करेंगे कि पानी की जो बनावट है, पानी का जो जब जमा, उसकी जो बनावट है वो भी आप देखेंगे उस बर्फ़ की, बहुत अलग है दोनों में। और इसका क्यों है, क्योंकि जब इस पानी को माइक्रोस्कोप में देखा गया ना मेरे दोस्त, जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो माइक्रोस्कोप के अंदर इस पानी के मॉलिक्यूल्स की बनावट बहुत अलग थी। मैं यहाँ फोटोज़ लगाऊंगा कि जब आप किसी पानी देखते हैं, जब वो ग्रेटिट्यूड वाला, थैंक यू वाला फीलिंग होता है किसी पानी में, जब वो जमता है तो उसका कैसा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। जब हम किसी पानी को हीन भावना से नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, तब उसका जब वो जमता है तो क्या मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, ये आप देखना, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। और बात रही, और हाँ दूसरी बात मैं आपको, चलो एक चीज़ और सिखाता हूँ आज, मैं आपको एक टिप देता हूँ इनविटेशन की, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं सर इनविटेशन पे कुछ बताओ। तो इनविटेशन पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, और इनविटेशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनविटेशन और कुछ नहीं है। इनविटेशन सिर्फ सामने वाले को ये बताना है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसको चाहिए, इनविटेशन और कुछ नहीं है। इनविटेशन सिर्फ ये है कि आपके पास कुछ ऐसा है कि उसको, सामने वाले को कुछ चाहिए जो आपके पास वो है, समझ रहे हो? मतलब आपको, लेट्स सपोज पानी का एग्जांपल लेते हैं, आपको प्यास लगी है, राइट, मेरे पास पानी है, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास पानी है और मैं आपको वो पानी दे सकता हूँ, और आपको प्यास लगी, यू वांट वाटर, तो आप क्या कहोगे, हाँ मुझे पानी पीना है, दो मुझे पानी, ये इनविटेशन हो गया, दैट्स इट। अब आपने पानी कितने में देना है, कितना देना है, क्या देना है, कैसे दोगे, क्या कंडीशन है, दैट्स ऑल प्लान एंड प्रेजेंटेशन, समझ गए? बहुत ही सरल शब्दों में समझाया मैंने इनविटेशन क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये चीज़ आपने करनी है, और बस यही होता है इनविटेशन। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि आप क्या करेंगे ना, आप सिर्फ कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, आपको सिर्फ कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस नहीं करना है। आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है हॉट प्रोस्पेक्टिंग की, आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है वार्म प्रोस्पेक्टिंग की, आप उधर क्यों नहीं अप्रोच करते? एक बात बताओ, आपके, आपका जो कज़न ब्रदर है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उनको क्यों नहीं अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करते? आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे अननोन लोगों को ही क्यों ट्राई करते हो? अननोन मार्केट बहुत बड़ी है, उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है, लेकिन जो आपकी हॉट मार्केट है ना, वो आपके टेस्ट मैच खेलने में हेल्प करेगी, राइट, इट विल हेल्प यू इन प्लेइंग द टेस्ट मैच, वो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कैसे? देखो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हॉट मार्केट वाले कौन लोग, हॉट मार्केट वाले आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, राइट, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, राइट, कजन्स, और आपका फ्रेंड सर्कल, इनके साथ आप रोज़ घूमते बैठते हो, शेयर विद देम। अब उनको इनवाइट कैसे करना है, क्योंकि इनविटेशन की बात चल रही है, तो उनको इनवाइट कैसे करना है आपने? उनको इनवाइट इस तरीके से करना है, बट यू कैन से टू देम, देखो अगर आपका बहुत यू नो दोस टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो चड्डी बड्डी यार होते हैं, उनको आप कैसे बोल सकते हो कि अरे भाई मज़ा आ गया, मेरे पास बहुत ही तगड़ी चीज़ हाथ में लगी है, एंड कट द फोन काटता हूँ, इतना बोलो कि अरे भाई मज़ा आ गया, मेरे हाथ बड़ी तगड़ी चीज़ लगी, अब तो मैं देख क्या करता हूँ, एंड कट द फोन, वापस से कॉल आएगा। अगर वो आपका चड्डी बड्डी है, अगर आपके साथ वो हर शाम को मोमोज खाने जाता है, वो नुक्कड़ पे बैठ के तुम लोग गप्पे मारते हो, तो वो फ़ोन दोबारा वापस आने वाला है कि अबे बताना क्या है, क्या लगा हाथ में,
आप क्या दूसरे फोन पे? अरे मजा आ गया भाई, अब मजा आ गया, अब देख क्या करता हूँ मैं, अब लाइफ सेट है, फोन कट, फोन कट। अब वो आपको शायद दो चार पर्यायवाची सुनाएगा, है ना, और आपको फिर से फोन करेगा और बोलेगा, यार बता क्या है, पागल तो नहीं हो गया है, बताना है तो बता, बता क्या है। आप उसको बोलो ठीक है मिलते हैं आज शाम को वहीं, या ठीक है मैं तेरे घर पे चाय पीने आ रहा हूँ, या ठीक है तू मेरे घर पे आ जा चाय पीने, बात करते हैं, बताता हूँ क्या है। हो गया इनविटेशन फॉर द हॉट मार्केट। ऐसे ही आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप ऐसे बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज जो स्किल हम लोग डील करते हैं, जिस स्किल में जो हमारे कोर्सेज हैं, एवरीवन नीड्स देम, हर किसी को वो चाहिए, समझ रहे हो, हर किसी को वो चाहिए। बस आपको इम्पोर्टेंस दिखाने की ज़रूरत है, उसकी नीड दिखाने की ज़रूरत है, हर किसी को वो चाहिए, तो आप ये कीजिए, राइट। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि अगर और तरीके क्या हैं हॉट मार्केट में बात करने के, आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मैं अभी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, और ई कॉमर्स में ट्राई कर रहा हूँ, और अभी आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, मैंने कुछ सीखा है, कुछ देखा है, तो मैं तेरे साथ वो अपॉर्चुनिटी एक बार शेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू और मैं मिलके उस काम को करें, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं तो हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी और काम अच्छा कर पाएंगे। दैट्स इट। बोलेगा अच्छा बता क्या है, बोलेगा यार मिल के बताते हैं। अगर वो आपका फ्रेंड है फिर तो आप तो यहाँ वहाँ जा सकते हो ना, आजकल तो जा सकते हो, उसके घर जाओ यार, कितना दूर है घर उसका, चाहो मिलो, घर पे चाय पियो, चाय नहीं पीते दूध पियो, दूध नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, पानी पियो एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि ये मैं पानी पी रहा हूँ और ये वो पानी है जो इस बंदे को ज्वाइन करवाएगा। और वो पानी, वो फीलिंग उसको दो, वो गिलास उसको दो कि ले ये वाला पानी पी, बोला क्या मंत्र फूंक रहा है बे। तो खैर ये चीज़ आपने करनी है, हॉट मार्केट हो गया, इनविटेशन हो गया, प्लान दो, क्लोज करो, सिंपल। हॉट मार्केट को प्लान देने का तरीका बहुत अच्छा है, इनविटेशन देने के तरीके बहुत अच्छे हैं, क्लोजिंग करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, राइट। आप बोलोगे तो मैं हॉट मार्केट पे कैसे क्लोज करना है सिखा दूंगा, हॉट मार्केट में कैसा, खैर ये सब चीज़ें मैं अभी जो कोर्स आ रहा है उसमें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी, आपको सब सीखने को मिलेगा। ऐसा आप कर सकते हो इनविटेशन वॉर्म मार्केट में। वॉर्म मार्केट वो लोग हैं जिनसे आप स्कूल टाइम पे कभी मिले थे, फेसबुक में कभी बातचीत हुई थी, कभी यहाँ वहाँ मिले थे, जानते हैं एक दूसरे को चेहरे से, शादी में कभी मिले थे, ज़्यादा जान पहचान नहीं है, वो वॉर्म मार्केट होती है, राइट। उनको आप क्या कर सकते हो, सेम अप्रोच कर सकते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि हे ब्रदर, मैंने अभी एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया है, या मैं शुरू कर चुका हूँ, ई कॉमर्स बेस्ड प्लान है, और मैं चाहता हूँ कि तू इस बात को समझे, या तुम इस बात को समझो, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा कि हम लोग कल इस टाइम को मिले, या कैसा रहेगा कि हम एक जूम मीटिंग, अगर दूर है आप नहीं जा सकते जूम करो, कैसा रहेगा कि अगर हम जूम कर लें और उस पर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, और आप मुझे बताओ कि मैं इसमें और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, और अगर आपको भी समझ आया तो हम दोनों मिल के कर सकते हैं। कितना इजी है इनविटेशन भाई, हाउ इजी इट इज, समझ रहे हो। आप सामने वाले को बोलो कि मेरे को बताओ आप कि मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, और वो बोले कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है डिजिटली, बोले अच्छा ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार आप और मैं बात करें, और अगर आपको समझ आता है तो आप और मैं मिल के इसको कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, तो एक बार आप सुनो समझो, उसके बाद फिर हम जो मेरे मेंटोर हैं उनसे भी बात करेंगे। सिंपल हो गया इनविटेशन के लिए, प्लान के लिए आ गया, इनवाइट हो गया, आएगा वो, समझ गए। दो तरह का इनविटेशन, हॉट मार्केट, वॉर्म मार्केट। नाउ द कोल्ड मार्केट, जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप कोल्ड अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक से, सिंपल, वो तो आप डीएम वगैरह करते हो, स्ट्रैटेजीज आपको ऑलरेडी जानते हो, वो नई बातें नहीं है कुछ, ठीक है, और इसको डिटेल में मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, नो इशू, डोंट वरी। तो दैट्स ऑल अबाउट इनविटेशन, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत छोटे में, बहुत ही क्रिस्प
आपको बताई है मैंने चीज़ें, डिटेल आपको मिलेगा कोर्स में, कोर्स आपके लिए बन के आ रहा है बहुत अच्छा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जो बन के आएगा ना, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। यू विल बी द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन द सेल्स इंडस्ट्री, एक्सपर्ट इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्लोज कर दोगे भाई हर किसी को, डेफिनेट गारंटी है मेरी। वो कोर्स देख लोगे तो, वो कोर्स बना रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आएगी चीज़, यू विल बी वेरी मच थैंकफुल टू मी। ठीक है, तो दैट्स इन्विटेशन। ठीक है, आप लोगों का था इन्विटेशन पे कुछ बता दो, तो ये बताया मैंने। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हम लोग मैं, हर्ष सर और मनीष सर, सुमित सर, रवि सर, हम लोग थे कल एक विलेज टाइप एरिया में। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कुछ भंडारा टाइप था हज़ारों लोगों का, और वहाँ पे हमने लगभग 100 हवन कुंडों का इंतज़ाम किया था, 100 हवन कुंडों में हवन करवाया था। तो इट वाज लाइक दैट थिंग, तो ये चीज़ हुई थी, वो हमने करवाया था। तो वहाँ पे कल हर्ष सर और रवि सर, मनीष सर, सुमित सर, ये भी आए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। वो मैं आपको, हम कैसे क्या इन्जॉय किया वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी आप चेक करो। ओके, बाकी तब तक बी योर बेस्ट, बाय। भाई बहनो कपड़े अरे ना ना, एक बार चलो यार, बहुत पानी है यार। सर भाई, सर अभी नहा लिया तो आगे वो भी आगे राजू। भाई मैं नहीं जाऊंगा, उनका गुल्लू भाई को ले जाओ। नारे तो पहले मना करते, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं नहारे, अब नहीं नहारे, तुम आओ तो पहले। अरे यार यहीं से चला जाए यार, यो यो हाँ डीजी करियर की मेन टीम नहर में नहाते हुए और इनका तन बदन एक 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 अंग आप देख सकते हो जूम करके।
मनीष ने मगरमच्छ देख लिया। मौज कर दिया भाई, मौज। यस एक बार वहां तक जाके दिखा, वहां से जा, वहां से उल्टा वापस जो पुल है ना उसके वहां। ले जा रहे अपना क्लच लेके वापस। खुल गई सर, जूम मारो, जूम।